तो यार, तो हेलो दोस्तों यार, देखो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को, अगर आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम को स्टार्ट कर रहे हो या फिर अगर आप लोग खेलते हो लेकिन आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की जो सेटिंग्स हैं उनके बारे में अच्छे से नहीं जानते हो, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की जितनी भी सेटिंग्स आप लोगों को शुरू में जाननी चाहिए, आप लोगों को कैसे करनी है, आप लोगों को मतलब कि उनको यूज कैसे करना है, सब कुछ ए टू जेड आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की सेटिंग्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो यार आप लोग वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना। और बिगनर्स लोग, अगर आप लोगों ने अभी अभी डाउनलोड करा है या फिर अगर आप लोगों को अभी बिल्कुल एक दो हफ्ते हुए डाउनलोड करें तो फिर आप लोग तो इस वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा देखना एंड तक, तो आप लोग यार काफी ज्यादा फायदा होगा, आप लोग अच्छे सेटिंग कर पाओगे। और अगर आप इन फ्यूचर भी खेलने वाले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल तो भी आप लोग वीडियो को जरूर से देखना। चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप लोग जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर आते हो ना तो लॉबी आप लोग कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आता है कि आप लोग बैटल रॉयल कैसे लगाओगे, टीडीएम कैसे लगाओगे, तो ये सब सिस्टम मैं आप लोग बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे देखो इधर साइड राइट में देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को चार प्रकार के देखने को मिल रहे हैं, रैंक्ड मैच, देन मल्टीप्लेयर, देन बैटल रॉयल, अब देन टूर्नामेंट। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अगर आप लोगों को टीडीएम वगैरह खेलना है तो आप लोग मल्टीप्लेयर पे क्लिक करोगे। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पे इस ऐसे लॉबी की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे आप लोग स्टार्ट पे क्लिक कर देना, तो ये आपका टीडीएम फ्रंट लाइन, आप लोग ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे फ्रंट लाइन लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप लोग यहीं पे अगर आप लोगों को बैटल रॉयल खेलना है तो आप लोग जस्ट मल्टीप्लेयर के नीचे बैटल रॉयल पे क्लिक करना। जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोग देखो स्क्वाड आप लोग लग गया है बैटल रॉयल, जस्ट आप लोग इसको इजीली प्ले कर सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग स्टार्ट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेटिंग्स के ऊपर, क्योंकि यार मैं भी जब नया नया था तो मुझे यार ये प्रॉब्लम आई थी कि भाई हम लोगों को यहाँ पे बैटल रॉयल कैसे खेलना है, काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है न्यू गेम में शिफ्ट करने पे, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इस चीज को बता दिया। ठीक है, अब हम लोग सेटिंग्स के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग सेटिंग्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोग काफी सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले ऊपर वाली ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल्स के अंदर आप लोगों को तीन प्रकार सेटिंग देखने मिलती है, पहला एमपी मोड, देन बीआर मोड, देन जॉबीज। ठीक है, तो आप लोग सिंपल से यहाँ पे एमपी मोड में सेकेंड वाला क्लिक कर लेना है, और आप लोगों को यहाँ पे बीआर मोड के अंदर आप लोगों को सेकेंड वाला क्लिक कर लेना है, एंड जॉम्बीज के अंदर भी सेकेंड वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जस्ट इतना आप लोग कर देना। उसके बाद देन नंबर टू पे आती है बेसिक सेटिंग। इसके अंदर देखो काफी सारी सेटिंग्स हैं जो पहले से रहनी चाहिए, जो कि पहले से रहती भी हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको छेड़ना मत। देखो जैसे एम असिस्ट है उसको वैसे रहने दो, जो सेटिंग्स चेंज करनी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन जो नहीं चेंज करनी है वो जस्ट आप लोग वैसे ही रहने दो। और यहाँ पे एक लोगों काफी लोगों को डाउट होता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर जायरो है या फिर नहीं, तो डी डेफिनेटली कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर जायरो है, आप लोग जायरो के साथ प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं आप लोग उसकी सेंसिटिविटी भी कैसे सेट करनी है सब कुछ बताऊंगा। तो यार वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो सकती है तो एंड तक देखना। यहाँ पे आप लोग देखो बेसिक सेटिंग्स के अंदर वैसे कोई ज्यादा सेटिंग्स है नहीं जो आप लोगों को सही करनी चाहिए, आप लोगों को पहले से बिल्कुल ऐसा मस्त सेटिंग ये लोग दे देते हैं। जस्ट आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग जायरोस्कोप ऑफ होगा, इसको आप लोग ऑन कर लेना। ठीक है, और एक चीज आप लोग याद रखना कि आप लोगों को यहाँ पे टीडीएम के अंदर फिर से जायरो ऑन करना पड़ेगा, टीडीएम के अंदर फिर से वही सेंसिटिविटी करनी पड़ती है आप लोगों को, तो अलग अलग होता है दोनों में, तो आप लोग इस चीज पे ज्यादा फोकस करना। अगर आप लोग ने टीडीएम के अंदर सेट कर दिया, आप लोगों ने सोचा हो गया, नहीं आप लोग फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी जैसे यहाँ पे ये वाला मोड लगा हुआ है बैटल रॉयल, तो ये वाली जो सेटिंग्स है ना, जैसे मैं यहाँ पे बैटल रॉयल लगा दूंगा तो बैटल रॉयल की सेटिंग्स होंगी। ठीक है, अगर यहीं पे मैं आप यही डायरेक्ट सेटिंग कर रहा हूँ तो ये शायद से दोनों के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बस जायरो के यहाँ से ऑन कर लेना, बेसिक सेटिंग्स के अंदर मेन यही वाली सेटिंग्स थी। ठीक है, और वैसे इसके अंदर कुछ और सेटिंग ज्यादा है नहीं जो कि छेड़ने लायक है, आप लोग बस इतना कर लेना। देन ऑडियो एंड ग्राफिक्स की बात आती है, तो ग्राफिक्स देख लो आप लोग मेरा, यहाँ पे मैंने ग्राफिक क्वालिटी को लो कर दिया है और फ्रेम रेट को मैक्स कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे बस और ज्यादा मैंने कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करी है, और जितनी चीजें हैं मैंने जस्ट उसे ऐसी रखी है। ऑडियो के अंदर आप लोग यहाँ पे मास्टर वॉल्यूम को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, आप लोग देख लेना। और ये सारी सारी वॉल्यूम वही है, आप लोग इसको कम ज्यादा अपने अपने यूज के अकॉर्डिंग कर लेना, आप लोग कैसा यूज करते हो। देन यहाँ पे हीट इफेक्ट्स आता है, तो आप लोग हीट इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी सारे हैं, तो आप लोग कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, मैंने ब्लड वाला रखा हुआ है जो कि नॉर्मल अच्छा भी लगता है। ठीक है, देन आती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो, मेरी यहाँ पे सेंसिटिविटी देख लो, मैंने अच्छी से बिल्कुल सेट कर रखी है, आप लोग इसी सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेना और अपने में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लेयर, ये देखो आप लोग ये चीज समझो, ये जो एमपी मोड है ना,
तो ये मल्टीप्लेयर मोड है और ये जो बीआर मोड है ये बैटल रॉयल मोड है। तो दोनों के लिए आप लोग सेंसिटिविटी को सेट कर लेना, ठीक है, तो आप लोगों को फायदा रहेगा और यहीं से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। तो इस चीज को आप लोग समझ गए ना, अभी जो डाउट आया था कि यहाँ दोनों के लिए अलग अलग करनी पड़ती है, तो यहीं से आप लोग कर सकते हो दोनों के लिए, ठीक है, सेम कर लेना। मैं आप लोग को एक बार फिर से सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ और इसके यार सेंसिटिविटी का एक मैं ट्यूटोरियल तो नहीं बनाऊंगा पूरा अलग से, अगर आप लोग कहोगे तो शायद से मैं बना दूं, वैसा कोई ऐसा मेरा मूड नहीं है इसके सेंसिटिविटी के ऊपर ट्यूटोरियल बनाने का। आप लोग मेरी सेंसिटिविटी देख लो, जैरो वैरो ऑन कर लेना और मस्त कॉपी करके खेल सकते हो, ठीक है, सही मस्त सेटिंग मैंने कर रखी है, बढ़िया मस्त चलता है मेरा। और देन यहाँ पे हम लोग बीआर सेटिंग यानी बैटल रॉयल सेटिंग्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर आप लोग कुछ भी छेड़ने लायक नहीं है, आप लोग जस्ट जैसी है पूरी पूरी सेटिंग्स आप लोग इनको वैसे रहने देना, ठीक है। देन व्हीकल सेटिंग, व्हीकल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे कस्टम लेआउट है, तो आप लोग अगर व्हीकल वाले जो है कस्टम करना चाहते हो, इसको इधर उधर करना चाहते हो तो आप लोग कर लेना, वैसे मस्त पहले से रहती है तो वही रहने दो, वैसे रहने देते हैं, ठीक है, मैंने वैसे रहने दिया। देन क्विक मैसेज का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप लोग इसको सेट कर सकते हो कि आपको कौन सा लगाना है कौन नहीं, तो ये आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, इसमें भी कुछ ज्यादा जो है छेड़ने वाला है नहीं। देन कंट्रोल का ऑप्शन आता है, अगर आप लोग कंट्रोल के अंदर खेलते हो तो आप लोग यहाँ पे सेटिंग देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या है। देन लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, इंग्लिश से रहने दो। देन इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा कि कौन कौन से मोड है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। देन लास्ट में लीगल एंड प्राइवेसी, तो यहाँ पे आप लोग अपना अलो टू अलो फ्रेंड्स टू एक्सपेक्टेड ये सब यहाँ पे देख सकते हो और आपके आईडेंटिटी के बारे में बताया गया और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स थी सारी सारी जो कि एक बिगनर को जरूर से कर लेनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पे एक कंट्रोल्स वाली सेटिंग आती है कि आप लोगों को जो कंट्रोल्स हैं वो कैसे सेट करने हैं। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल्स के अंदर यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आप लोग जैसे लेआउट है जब आप लोग गेम खेलते हो तो कस्टम लेआउट पे क्लिक करना, ठीक है, और यहाँ से आप लोग इसको सेटिंग कर सकते हो, इधर उधर आप लोग हिला डुला सकते हो, जैसा रखना चाहते हो रखना रख सकते हो। वैसे मैंने चेंज नहीं किया है, मुझे काफी ज्यादा ठीक है नॉर्मल अच्छा लगा ये वाला लेआउट जो पहले से मिलता है, तो मैंने जस्ट वैसे रहने दिया है। आप लोग यहाँ से एमपी मोड यानी मल्टीप्लेयर यानी टीडीएम वाला और बैटल रॉयल मोड यहाँ से भी यहीं से कर सकते हो दोनों सेटिंग, ठीक है, मैंने दोनों वही सेम रखी है और मैंने कुछ चेंज नहीं करा इसके अंदर, ठीक है। तो ये थी सारी सारी सेटिंग्स जो कि मैंने आप लोग बता दिए, काफी हद तक यहाँ पे यार देखो जो आप लोग डाउट है ना वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि भाई यही डाउट रहता है कि भाई कौन से सेटिंग्स करेंगे, न्यू गेम है पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने एक एक करके सारी सारी चीजों को समझा दिया है और मैक्सिमम चीजें वही है जो कि बिल्कुल सेम रखनी है, उसके अंदर कुछ चेंजेस भी नहीं करने हैं, तो आप लोगों को फायदा ही है। और जो मेन बात रही सेंसिटिविटी की, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाई दी, आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है, मस्त और मस्त यार आप लोग प्ले कर सकते हो। और अगर कोई डाउट आए तो फिर तो यार आप लोगों को पता है क्या करना है, कमेंट के अंदर आना है और जस्ट आपका क्वेश्चन लिखना है, मैं आप लोग आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो यार बस यही था आज के वीडियो पे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे अगर आप लोग नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे।